ग्रीष्म ऋतु लक्षण एंड आचार्य। तो हम ग्रीष्म ऋतु में क्या लाइफस्टाइल करनी चाहिए, किस प्रकार का आहार खाना चाहिए, किस रस का सेवन करना चाहिए और कौन सी दिनचर्या रखनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, तीक्ष्ण अंशु अति तीक्ष्ण अंशु ग्रीष्म चरछी पतिवत प्रहत्यम क्षीयते श्लेष्म तेन वायुष्य वर्ध्यते। मतलब तीक्ष्ण अंशु अति तीक्ष्ण अंशु, मतलब यहाँ अंशु का मतलब एक होता है कि किरणें, और तीक्ष्ण अंशु दोनों शब्दों को मिला के हम बोलते हैं उसे, हम सन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य के लिए। तो क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का ताप भी बढ़ता है, तो सूर्य की किरणें भी होती हैं बहुत तीक्ष्ण होती हैं और बहुत ताप वाली होती हैं, तो वो क्या करती हैं वातावरण का जो जल है उसको भी सुखाती हैं और हमारे शरीर के जल को भी सुखाती हैं उष्णता की वजह से। तो हमारे शरीर में जल तत्व कौन सा है, कफ। तो हमारे शरीर में कफ को वो सुखाती हैं, उसको डिक्रीजन करती हैं। अगर कफ का डिक्रीज होगा तो हमारे शरीर में किसकी वृद्धि होगी, वात की। तो इसको नियंत्रित करने के लिए वात वृद्धि को कम रखें और अपने शरीर में ठंडकता मतलब कफ को बढ़ाए रखें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अतो अश्मिन पटु कटाव अम्ल व्यायाम कर्कशा त्याजते। मतलब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए पटु, पटु मतलब लवण रस, कटु रस और अम्ल रस, क्योंकि लवण कटु और अम्ल रस ये क्या होते हैं तीनों में पित्तवर्धक होते हैं तीनों, तो हमें पित्तवर्धक ये रस का सेवन नहीं करना। और व्यायाम और धूप में जाना और एक्सरसाइज करना, ऐसे कोई भी चीज़ जिससे हमारे शरीर में पित्त बढ़े और गर्मी बढ़े उष्मा बढ़े, उन चीज़ों को हमें त्याग करना है, ठीक है। भजेन मधुरम एव अन्नम लघु स्निग्धम हिम द्रवम। तो हमें क्या करना है कि हमें मधुर मीठे और लघु जो जल्दी पच जाए ऐसे भोज्य पदार्थ, और स्निग्ध जिनमें घी तेल मिला हो, थोड़े स्निग्ध हो, ठीक है, ऐसे आहार विहार, और हिम ठंड शीतल हो और द्रवम और लिक्विड फॉर्म में हो, ऐसे आहारों का सेवन हमें ग्रीष्म ऋतु में करना है। फूड हैविंग मधुर रस लघु स्निग्ध शीत द्रव्य गुण शुड बी टेकन इन समर। सुशीत तोय स्तिक्तांगो लिहात सत्तुना ससकरान। मतलब सुशीतल तोय स्तिक्तांगो मतलब ठंडे कोल्ड वाटर से हमें स्नान करना है, और कोल्ड वाटर से स्नान करने के बाद नहाने के बाद लेहाम सुक्तम सक्रम सत्तु एक्चुअली पहले गाँव में अभी भी बनाया जाता है और कुछ कुछ घरों में भी अभी बनाया जाता है। सत्तू एक्चुअली ये क्या होता है, जौ चने को इसको भून कर आग और उसके बाद उसको पीस कर बनाया जाता है, उसको मिक्सर को जौ और चने को भून कर फिर उसको पीस लिया जाता है उन दोनों को मिला के, तो उसको सत्तू बोलते हैं और बहुत ठंडा होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, शक्कर के साथ मिलाकर और उसको उसमें पानी मिलाकर ठंडा पानी मिला के फिर उसको एक पेस्ट लाइक सब बना लिया जाता है उसे, फिर उसको खाया जाता है तो वो ठंडा होता है ऐसा माना जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि ठंडे पानी से नहाने के बाद हमें क्या करना है, सत्तू को शक्कर मिलाकर सेवन करना है। मद्यम ना पेयम पेयम व स्वअल्पम स्वबहु भारी। या तो मद्य को अल्कोहलिक ड्रिंक को पिए ही ना, अगर पिए तो बहुत कम पिए, और वो कम पिए उसके साथ भी हम बहु भारी मतलब अधिक मात्रा में जल मिलाकर पिए। अन्यथा शोष शैथिल्य दहा मोहरान करोती तत्, नहीं तो शोष रोग एक होता है इसमें हमारा शरीर एकदम दुर्बल हो जाता है, एकदम लकड़ी जैसा दिखाई देता है, दौर्बल्य शरीर सॉरी स्थैल्य मतलब संधियों में अस्थियों में जॉइंट सीजन में और स्किन में क्या शैथिल्य आ जाता है, ढीलापन आ जाता है, ठीक है। दहा मतलब अंदर जलन होती है, कोई भी हो सकता है, अल्सर हो सकता है, पेट में जलन होना, जो भी एसिडिटी वो भी, और मोह मतलब चक्कर आना, ठीक है, ये सब लक्षण दिखाई दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि मद्य जो होता है अल्कोहल ड्रिंक जो होती हैं वो उष्ण होती हैं, उष्णता बढ़ेगी तो ये सब लक्षण दिखाई देंगे पित्त वृद्धि के। कुंद इंदु धवलम शाली शमी जांगले पले। मतलब कुंद इंदु धवलम शाली जो चावल होते हैं, जो कुंद क्या होता है, कुंद एक वैरायटी होती है आपने सुना होगा, बहुत सुगंधित फूल होते हैं, जैस्मिन जैसा जैसे ही फूल होते हैं ये भी, चमेली जैसे। इसका यूज़
जिसमें ऑर्नामेंट्स में किया जाता है, मे बी गजरा वगैरह बनाने में, तो वो कुंद आपने शायद देखा भी हो, तो वैसा सफ़ेद। एंड इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की तरह शीतल, और कुंद की तरह शीतल मतलब चंद्रमा, हम ये भी बोल सकते कुंद और चंद्रमा की तरह धवल मतलब ठंडा, सॉरी सफ़ेद, या कुंद की तरह सफ़ेद और चंद्रमा की तरह शीतल। ऐसे चावल, शालीनदार चावल का हमें खाना है किसके साथ? जांगल, जांगल वाले, जांगल पशुओं के रस, मांस रस के साथ। तो राइस, साली राइस विच इज़ वाइट एज फ्लावर कुंद एंड इंदू शुड बी टेकन अलॉन्ग विद जांगल मांस रस ड्यूरिंग समर सीजन। टेक ओनली थिन मटन सूप, मतलब वो भी हमें जो मटन सूप हम ले रहे हैं, जो जांगल रस मांस रस ले रहे हैं, वो भी हमें लिक्विड फॉर्म में लेना, जहाँ से है ना लिक्विड चीज़ें हमें खानी है, पानी जाना से है ना हमारे शरीर में जाना चाहिए। पिवेद पिवेद रसम ना ना अति घनम, पिवेद पिवेद रसम ना अति घनम रसालम राग खंडा। वो हमें ऐसे रसम का मतलब यहाँ पे फिर से वही मांस रस से हो जाएगा, ऐसे मांस रस का सेवन करना है जो ना अति घनम मतलब जो बहुत गाढ़ा ना हो, जाना जाना उसमें लिक्विड हो, ठीक है, रसीला हो। और रसालम राग खंड, वो ये वो एक भोज पदार्थी हैं, रसाल राग खंड खांडव ये सब। तो हमें क्या करना है, मांस रस का बहुत गतिक गाढ़े मांस रस का सेवन नहीं करना, और रसाल का राग का, राग मतलब रायता होता है, आप जैसे बनाते हैं दही को फेंट कर उसमें क्यूमिन और कुछ कुछ चीज़ें मिलाते हैं, पेपर क्यूमिन और जिंजर ये सब मिला के जो बनाते हैं ना, उसे बोलते हैं राग एंड खांडव। खट्टे नमकीन जो जो फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं खांडव, और या फूड आइटम्स होते हैं उनको खांडव बोलते हैं। तो इन सबको हमें खाना चाहिए। इसमें लिखा भी हुआ है रसाल कर्ड शोड विदाउट एनी वाटर मिक्स विद शुगर पेपर जिन ड्राई जिंजर एंड क्यूमिन। राग आर डेकोरेशन ऑफ ग्रेप्स विद साली सुक्त हनी शुगर पाउडर ऑफ एरो रूट क्यूमिन सिनेनम एंड कोरिएंडर। खांडव प्रिपेयर्ड विद सॉल एंड स्वीट फ्रूट ड्यूरिंग समर सीजन। पानकम पंचसारम वा नर्वदम जाने स्थितम। पानकम पंचसारम, और पंचसार का जो पंचसार एक द्रव्य होता है, एक पेय बनती है, तो शरबत उसका भी हमें पान करना है। वो शरबत उसको हमें कुल्हड़ या मिट्टी के जो पात्र होते हैं उनसे पीना है, और उन्हें कुछ समय के लिए मोच चोच तले युक्तम शालम मदम सुक्तिम भी। और उनको क्या करना है हमें कि केले के पत्त, केले या महुए के पत्तों में ढककर रखना है उसको, तो जिससे क्या हो जाएगा, उससे कांटेक्ट में होना चाहिए वो पंचसार जब बनाते टाइम, तो उससे क्या होगा, उसके फ्लेवर भी, महुए के और केले के पत्तों के जो फ्लेवर है वो भी उसमें आएंगे। एंड उसको मृदमयम सुक्ति भी, उसको मिट्टी के कुछ पात्रों में पी, क्योंकि वो उस टाइम पे शीतल माने जाते थे इसलिए। उसमें सा अम्लम, और कुछ अम्ल पदार्थ, कुछ अम्ल खटाई भी डालें जिससे उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो पंचसार एक्चुअली में क्या होता है, पंचसार पांच चीज़ों से बना होता है। उसमें मुनक्का, मधु मतलब हनी, खजूर, फालसा और मिश्री, ये पांच चीज़ें होती हैं, इसको हम जल में मिलाकर बनाते हैं पंचसार को। एंड पटालम वष्टि चाभ्यम सा कपूरम सुशीतलम। तो हमें क्या करना है, उसके बाद हमें उस पाड़ल के फूलों तथा कपूर से सुगंधित कर, जो भी हम पिए उसको पाड़ल के फूलों या कपूर से सुगंधित करके फिर पिए, उससे क्या शीतलता आती है। कूल्ड वाटर फ्लेवर विद पाटल फ्लावर एंड मिक्सड विद कपूर इज ऑल्सो गुड फॉर ड्रिंकिंग ड्यूरिंग समर। हम जो भी ठंडा पानी पी रहे हैं उसको पाड़ल के फूलों और कपूर से सुगंधित कर, इससे उसमें और फ्लेवर आएगा। शशांक केनम भक्ष्यान रज्यानम भक्ष्यान पिवते शीतम महिषाम क्षीरम चंद्र चंद्र छत्र शीतलम। बोला गया है कि ग्रीष्म ऋतु की रात्रों में क्या करना, रात्रियों में क्या करना चाहिए, शशांक केन नामक का भोज, शशांक केन नामक भोज पदार्थ होता है उसका सेवन करना चाहिए। और चंद्रमा द्वारा और तारों द्वारा जो चंद्र नक्षत्र शीतलम,
और महेशी क्षीरम, महेशी मतलब भैंस और क्षीरम मतलब दूध, तो चंद्र चंद्रमा और नक्षत्र द्वारा जो शीतल किया हुआ भैंस का दूध है उसको शक्कर साथ सितम, सितम मतलब मिश्री होता है, तो उसको मिश्री मिलाकर उसका पान करना चाहिए। किसके साथ? शशांक किरण के साथ। शशांक किरण एक्चुअली क्या होता है, जिसमें लिखा हुआ है द फूड नोज अ शशांक किरण प्रिपेयर्ड विद द फ्लेक्स ऑफ तलीशा पाउडर एंड मिक्सड विद कम्फोर एंड सुगर कैंडी। तो इसमें कुछ कपूर और सीतोपला चूर्ण और ये कुछ चूर्ण मिले होते हैं, उससे शशांक किरण किरण बना होता है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, बट अभी अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आया तो आपको पूछ सकता है कि कौन सा फूड आइटम रात में भैंस के साथ दूध के साथ पीना चाहिए, तो आपको आ सकता है शशांक किरण करके। एक्चुअली इस चैप्टर में मोस्टली आपको आएंगे तो ऑब्जेक्टिव आए या आपको 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी ऋतु की दिनचर्या लिखिए, ग्रीष्म ऋतु की दिनचर्या लिखिए, मतलब उसमें ऋतुचर्या लिखिए, उसमें क्या आपको करना है, या हेमंत ऋतु की लिखिए, या शीत ऋतु शिशिर ऋतु की लिखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट शरद ऋतु वाला जो चैप्टर, शरद ऋतु वाला जो टॉपिक आएगा उसमें एक संशोधक करके एक टॉपिक है, एक श्लोक है, वो वाला श्लोक उस पर उसकी कोटेशन उसका मीनिंग आपको अच्छे से याद रखना है, तो मैं आपको बताऊंगी आगे। बट आपको ये ऐसा है कि इस चैप्टर को तो आप एक बार सब रीडिंग लगा लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में क्या है, स्टार्टिंग का मैंने जो बताया था ना आपको, आदन काल, विसर्ग काल, और किस दो ऋतु में कौन से दोष का वृद्धि होती है, कौन से दोष का संचय होता है, ये ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और कौन से ऋतुचर्या क्या आहार खाना चाहिए हमें, आप देख लीजिए, यदि ग्रीष्म ऋतु तो उसमें शीतल आहार खाना चाहिए, कौन से रस सेवन करने चाहिए, ठीक है, जो ठंड का सीज़न होगा विंटर सीज़न में, शरद ऋतु में और हेमंत ऋतु में क्या खाना चाहिए, वो सेम, तो आपको वो बस याद रखना है। और आतन काल पर वो विषाद काल, और इस चैप्टर को बस एक बार आप वीडियो देख लीजिए या एक बार आप बुक से पढ़ लीजिए, ख़त्म, जाना इसमें टेंशन नहीं लेना, आपको कोई श्लोक इसमें याद नहीं करना, और बस संशोधक वाला श्लोक मैं आपको आगे बताऊंगी, तो देखते हैं। उसके बाद अभ्रक महाशाल ताल रुद्रो उष्ण दशमेशु, मतलब क्या होता है कि ऐसे शाल ताल, जैसे लंबे लंबे बहुत ऊंचे ऊंचे टॉल ट्रीज होते हैं उनके नीचे आपको जाना है, जहाँ से क्या है रुद्रो रश्मिशु, मतलब रुद्रो उष्ण रश्मिशु, मतलब सूर्य की जो उष्ण किरणें हैं, रश्मिशु मतलब किरणें, उन किरणों को कोई रुक रही हों, ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियों की वजह से जो किरणें रुक रही हों, उन पेड़ों के नीचे आपको आपको जाके सोना है, सहन करने के निर्देश है कि आपको कहाँ आराम करना है। वनेशु मध्विशिलिष्टम दाक्षा स्त्रव कलाशेशु सुगंधित हिम पानिन्य सिच्यमान पटालिके, क्या लिखा हुआ, आइडल लोकेशन टू स्पेंड डे टाइम इन समर, मतलब कहाँ शयन करना है, कहाँ आराम करना है समर्स में, गर्मियों में, इज इन द पार्क वेयर द टॉल ट्रीज लाइक साल पाम्स लाइक ताड़ इम्प्रेस द स्काई विद विल प्रिवेंट द हॉट रेज ऑफ द सन, और स्पेंड इन द हाउस अराउंड विच बंचेज ऑफ फ्लावर लाइक जैसमिन ग्रेप्स एंड हैंगिंग फ्रॉम देयर क्रीप्स, मतलब सुगंधित हिमपान, मतलब जहाँ पे सुगंधित खुशबू आ रही हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे जैसमिन ग्रेप्स इन सब की लताएँ हों, पेड़ लगे हों, सुगंधित और रिलैक्सिंग जो चीज़ें हों वो सब, हैंगिंग द क्रीपर्स कर्टेंस मेड ऑफ क्लोथ वेटेड वाइज सेंटेड, मतलब कर्टन्स में से भी ठंडी हवा निकल रही हो या वो भी इसमें से सेंट आ रही हो, कूल वाटर मैंगो ट्रीज बेयरिंग फ्रूट एंड टेंडर लीव्स ऑल अराउंड इन सच प्लेस सेट अब अ सॉफ्ट बेड स्लीपिंग इन नून आवर्स विद द पेटल ऑफ फ्लावर ऑफ कंदाली कलकहरा एंड मनाला। तो वहाँ पर हमें क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रिपेयर फॉर पेटल ऑफ फ्लावर्स, तो फूलों की पत्तियों से बिस्तर तैयार करना चाहिए, वो किस किस का बताया गया है कि कहादो मतलब कमल की ही एक वैरायटी है, उससे मगालो वो भी कमलकंद कहते हैं उसको भी, तो मतलब जो भी फ्लावर्स हैं उनके पेटल से बिस्तर बनाए, तो एक्चुअली में आजकल तो ये संभव नहीं है, लेकिन उस समय पता नहीं आजकल उन्होंने लिखा है तो ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा पता नहीं, तो ये सब बोला गया है। कोमले कलिप्तो तल्पे
हसत कुस्मन पल्लवे मध्यंत्यो अकातपालम स्वयप अद्रान गहे अथवा पुस्त स्त्री स्तन हस्तस्य तवतो शिव वादिनी. स्लीपिंग इन हाउस कूल बाय वाटर फाउंटेन वेयर स्टैचूज ऑफ एग्जिबिटेड विद वाटर बियरिंग सेंटेड विद उशीदा एंड स्पिनिंग ऑफ फ्रॉम द बेस्ट एंड हैंड्स ऑफ माउथ. मतलब वहाँ रिलैक्सिंग वाटर इन्वायरमेंट हो, ऐसी जगह पे ठंडा हो, शीतल हो, हवाएं आ रही हों, लंबे लंबे बच्चे हों जहाँ से सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पा रही हों उष्ण, और आसपास अच्छा वातावरण, ऐसी जगह पे हमें आराम करना चाहिए. कहाँ, किस ऋतु में? समर सीजन में. निशा कारण कला किरणे सौद पुष्टे निशा चुचा. इट इज सजेस्टेड टू स्पेंड नाइट ऑन टेरिस इंजॉइंग द कूल रेज ऑफ मून. तो बोला गया रात में निशा, मतलब रात में क्या करना है हमें समर सीजन में, छत पे जाके हमें सोना है या जो भी है, क्योंकि अभी तो एसी वगैरह कूलर पंखे इतने सब चीज़ें हैं, लेकिन पुराने समय में सब नहीं हुआ करता था. तब लोग गर्मियों के सीजन में बाहर सोया करते थे, तो वहाँ पर यही बताया गया है कि आपको ऊपर, क्योंकि चंद्रमा शीतल माना जाता है, उसकी शीतल किरणों से वातावरण भी शीतल हो जाता है, इसलिए बाहर सोने का निर्देश दिया गया है.